हेलो फ्रेंड, आप लोगों का स्वागत है किरण किचन में। किचन में बन रहा है मटर पनीर, और ये मटर पनीर अलग एकदम अलग तरीके से है। ये पनीर का मैंने काट लिया है और इसको थोड़ा सा इसको फ्राई कर लेंगे, गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखिए, मैंने प्लेट को निकाल लिया है और मैंने तेल कम ही रखा है। तेल उतना ज़्यादा हम यूज नहीं करते हैं, तो इसमें हमने मेथी डाला और जीरा डालेंगे। जीरा डाल दिया और 2 तेज़पत्ता मैंने डाला है, और ये जीरा भून जाएगा। उसके बाद हम लोग प्याज डालेंगे। ये मैंने बारीक एकदम प्याज काटा हुआ है, मैंने पीसा नहीं है। इसे चलाते हुए खूब अच्छे से भूनेंगे जब तक ये गोल्डन ब्राउन की तरह ना दिखने लगे। ये देखिए, मेरा प्याज भून चुका है। देखिए, मेरा प्याज भून चुका है और एकदम ब्राउन हो गया है। तो इसमें हम लोग डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, मैंने कूट के डाला है, और चलाते हुए प्याज के साथ ही इसको भूनेंगे। अब हम लोग डालेंगे इसमें मसाला, और मसाले में हमने गरम मसाला और धनिया पाउडर और हल्दी पाउडर डाल रखा है, और मैंने इसमें डाल दिया है। इसको चलाते हुए अब भूनेंगे। ये भून चुका है मसाला। अब इसमें हम टमाटर का पेस्ट डालेंगे। मैंने 2 टमाटर पीसा था और मैं 2 लोगों के लिए ही बना रही हूँ। तो फिर अब टमाटर को भी चला के और चलाते हुए प्याज के साथ ही भूनेंगे। अब इसमें हम लोग नमक डालेंगे कि ये प्याज नमक के साथ गल जाए। एकदम ये अलग तरीके से है, जैसे मैं अपने घर पे बनाती हूँ वैसे ही आप लोगों को दिखाई हूँ। मैं मटर डाल दिया इसमें मैंने। मटर भी नमक के साथ बहुत जल्दी गल जाता है, तो साथ में डाल देने पे सब मसाला और प्याज और भी भूनता रहेगा, और मटर भी। इसको थोड़ा हम लोग ढक के छोड़ देंगे और फिर चेक करते हैं ये कैसा है। तो मटर तो अब गल ही चुका होगा। देखिए, मटर गल चुका है और ग्रेवी भी बहुत अच्छी लग रही है देखने में। इसको दबाते हुए प्याज को दबाएंगे तो प्याज का ग्रेवी अच्छा होगा। और देखिए, प्याज भी गल ही चुका है लगभग। अब हम लोग इसमें डालेंगे पानी, और पानी अपने हिसाब से कितना ठीक रखना है या पतला रखना है उसके हिसाब से ही डालेंगे। ज़्यादा गाढ़ा रहता है पनीर तभी अच्छा लगता है। देखिए, हमने पानी डाल दिया और ग्रेवी भी बहुत ही अच्छा बना है। और कोई भी मैंने लाल मिर्च का इस्तेमाल नहीं किया है। हम लोग लाल मिर्च घर पर नहीं यूज करते हैं, तो मैं ऐसे ही रखी हूँ। फिर भी कलर देखिए कितना अच्छा आया है। और इसमें इसको गैस को हम लोग तेज आंच रखेंगे और एक उबाल आने का वेट करेंगे, तभी हम लोग पनीर डालेंगे उसके अंदर। देखिए, मैंने पनीर डाल दिया है और ये पनीर हो चुका है, और गैस को हम लोग बंद कर देंगे। और ये रेसिपी अच्छी लगी तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक करिएगा। और चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए